एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशिका की दुनिया। एंड सुबह उठ के मैंने भगवान जी से प्रेयर किया एंड आज की वीडियो होने वाली है माय मॉर्निंग रूटीन। सो यहाँ पे सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपना बेड अरेंज किया एंड ये बहुत अच्छी हैबिट होती है अपने बेड को सुबह उठ के अरेंज करना। एंड देन बाहर देखो पूरा डार्क हो चुका था, डार्क हो चुका था बार बार, पता नहीं मैं क्यों गड़बड़ कर देती हूँ इसमें। एंड देन मैंने ब्रश किया एंड उसके बाद मैंने थोड़ा पॉन्ड्स का शो ऑफ किया। वैसे तो मैं बता दूँ कि पॉन्ड्स वालों ने मुझे एक रुपए नहीं दिए ऐसे करने के लिए। उसके बाद फिर बारिश थी, ठंडे पानी से फेस होकर मेरा मुँह फ्रीज हो गया था। हाँ, फिर मैंने पोछा एंड देन आई अप्लाइड एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल सुबह सुबह अप्लाई करोगे तो बहुत जेंटली अप्लाई करना, क्योंकि उससे आपकी स्किन भी अच्छी होती है। अगर आप चाहो तो आप गुलाब जेल भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया। एंड उसके बाद थोड़ी सी रोशनी हो चुकी थी बाहर एंड मैंने अपने बालों को झाड़ा, सॉरी मैंने अपने बालों को भाया सुबह उठकर। यही होता है नतीजा शॉर्ट्स देखने का। एंड फिर मैं टाइम दिखा रही थी और कुछ बकवास कर रही थी आप लोगों के साथ, बट ठीक है, मैंने इसलिए पीछे से वॉइस ओवर कर दिया ताकि आप लोग पक ना जाओ सुबह सुबह। एंड मिरर में देखे मैं थोड़ा शो ऑफ कर रही थी, बाल जैसे बाल नहीं है बट फिर भी मैं उसे झाड़ रही थी। एंड उसके बाद मैंने दिया अपना इंट्रो, सब कुछ कर लिया और अब इट्स अबाउट 6 o'clock और मैं उठी थी 5:30, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था। बहुत होते होते उठी थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि सुबह सुबह ठंड के मौसम में उठने में भाई आलस भी आता है, ऊपर से जब रजाई में आपकी जगह गर्म हो जाती है ना तो उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता है। तो फिर अभी मेरी ठंड जा चुकी है, ब्रश वश करके तो ठंडे ठंडे पानी से मेरा फेस वॉश करके, और आप लोगों को मेरा ब्यूटी लुक कैसा लगा जो मैं ये कर रही थी, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट अगर वर्क ना करे तो फिर मुझे अपने लाइक और सब्सक्राइब से बताना। सो ओके, और अभी हम लोग जाएंगे अपनी बुक पढ़ने, क्योंकि वो बुक मैंने टू थ्री वीक्स पहले शुरू की थी बट अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई है। मतलब वो बुक इतनी अच्छी है ना कि मैं डेली उसका एक पेज पढ़ रही हूँ और उसे रख दे रही हूँ, बट मुझसे ना उसको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। जैसे मैं सुबह में एक पेज पढ़ी फिर रात में मुझे एक पेज पढ़ना पड़ रहा है, मतलब वो इतनी अच्छी बुक है ना। चलो मैं आपको उसको दिखाती हूँ, मतलब आई थिंक मास्टर थॉट्स मास्टर लाइफ है, और दिखाती हूँ। मतलब आप उसे एक बार पढ़ोगे ना आपको एडिक्शन लग जाएगा उसका, एडिक्शन। तो बस मुझे भी वही लग गया। और अभी ना आजकल मैं अपना रील्स एकदम नहीं स्क्रॉल कर रही हूँ, क्योंकि मम्मा बोली है जब तक तुम्हारा टेस्ट में 25 नहीं आता तब तक तुम्हें टैब नहीं मिलेगा। तो तब तक, जब तक मुझे टैब नहीं मिलता तब तक मैं कुछ प्रोडक्टिव कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 1 month में एक बुक ख़त्म करूँगी रीडिंग के साथ, जिससे कि मेरी रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी एंड न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे, क्योंकि डिक्शनरी में से न्यू वर्ड्स देखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, पेपर मेरे लिए मिलता ही नहीं है, इतना छोटा छोटा लिखा रहता है ना। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चश्मे कहाँ है, तो मैं चश्मे रूम में, और अभी मैं ड्राॅइंग रूम में बैठी हूँ, तो चलो अपने रूम में चलते हैं जहाँ मेरी बुक रखी है, वो एरिया भी मेरा रूम ही है। अभी तक मैंने काफ़ी सारे पेजेस नहीं पढ़े हैं, बहुत कम पेजेस अभी तक मैंने पढ़े हैं इस बुक के, बट जाओ। सो फिर फाइनली 6 o'clock मेरे स्मार्ट वॉच का भी अलार्म बज गया एंड ठीक है ना, टैप कर बज गया, तुम तो चकल ये भी ऑफ। कुछ भी रोशनी नहीं हुई है गाइस, ये मैं तो बताया है, ठीक है, देखो कोई रोशनी नहीं है, कोई भी टेरेस पे जाकर देखते हैं। 3 2 1 फर्स्ट क्लास, ठंडा ठंडा लग रहा है, मतलब देख रहे हो यहाँ पे मैंने अपने बैठने के लिए अपने सुबह में गिर गई, 1 मिनट यही होता है एक हाथ में कैमरा लेके बैठने का नतीजा। सो बुक पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा लग रहा है ना कि यहाँ पे बैठने में तो लग रहा है मैं नेचर के पास आ गई हूँ। चलो छोड़ो, आज की डे प्लानर भी बनाना है मुझे, तो चलो रूम में चलते हैं, नहीं तो अगर मम्मी को पता चल गया कि मैंने छत का दरवाज़ा खोला है तो मम्मी मुझे खोल देगी, इसीलिए चलो।
फ्रेश ना पड़े के बाद मैं बैठ गई स्टडी करने। सुबह सुबह मॉर्निंग स्टडी बहुत अच्छी होती है, आपको भी करनी चाहिए। एंड अभी मॉर्निंग तो नहीं हो रही थी, 6 o'clock या 7 o'clock हो रहे थे अबाउट। एंड सुबह उठ के मैंने मैथ्स पढ़ा, जो कि बहुत अच्छी आदत होती है। मैथ्स आपको डेली पढ़ना चाहिए। पता है मैं ये वीडियो सॉरी ये ज्ञान मैं हर वीडियो में देती हूँ, बट फिर भी इसके बाद मेरी मम्मी ने दिया मुझे पानी ताकि हमारी स्किन हाइड्रेट रहे। एंड फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने सुबह उठ के क्या क्या पढ़ाई किया और दिमाग में अपना क्या क्या घुसाया। ठीक है, सो अभी कितने पेजेस हैं, 1, 2, 3, पता नहीं मैंने इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों की है, बट ठीक है करके देख लेना चाहिए जिससे कि चेक हो जाता है। देखो मैं दिखा रही हूँ, देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन है गाइस, इतनी लंबी, कितनी मेहनत लगी होगी। फिर मैंने निकाला अपनी जीके की कॉपी एंड मैथ्स की कॉपी को दोबारा रख दिया, कॉपी नहीं है बुक है। ठीक है, मैथ्स की बुक को दोबारा रख दिया, उसके बाद अपनी जीके की बुक निकाला, अरे यार रफ कॉपी रखा। एंड उसके बाद मेरा जीके का एग्ज़ाम है और ऑरल्स भी शुरू होने वाले हैं, इसीलिए प्रिपरेशन अभी से शुरू करते हैं ताकि आगे जाके बर्डन ना पड़े। ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन, ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन। सो इट्स टाइम फॉर माई ब्रेकफास्ट, सो लेट्स eat it. So, अभी मेरा मन कर रहा है पेट पूजा करने का, तो मैं खाऊंगी ये राइस करके कुछ है जो कि आप देख सकते हो, और मुझे मन कर रहा है इसको खाने का क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। और अगर आपने इसको खाया ना तो मुझे फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ, और मेरा कमेंट बॉक्स ऑफ होगा तो अपने लाइक और सब्सक्राइब से बताओ। मैं जानती हूँ इस वीडियो में ये तीसरी बार बोल रही हूँ, लेकिन प्लीज़ कर देना।